As viewers my name is Van Chima and welcome back with another video of Capital Smart City. आज के स्टूडियो को कैपिटल स्मार्ट टीम बनने वाले 400 फीट वाइड रोड प्लस एक्सेस वन रोड का जो अभी डेवलपमेंट स्टेटस है वो बताऊंगा प्लस इस एक्सेस वन रोड का और 400 फीट रोड का ओवरऑल जो कैपिटल स्मार्ट की मार्केट पे इंपैक्ट आएगा वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा फॉर द टाइमिंग लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं कि कैपिटल स्मार्ट में मुख्तु डिस्ट्रिक्स के बारे में सवाल करते हैं कमर्शियल प्लाट्स या ओवरऑल जो इन रोड का इन एक्सेस रोड का या चार फीट रोड का जो ओवरऑल मार्केट पर इंपैक्ट आएगा उसके बारे में ऐसा कोई बात नहीं करते क्योंकि जाहिर सी बात है रियल स्टेट में इस बारे में वही लोग बात कर सकते हैं जिनको इस फील्ड का अच्छी तरह से अंदाजा यानी इस फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया कि फ्यूचर में जाकर जब मेन बुलेवर्ड तैयार हो जाएगा और मेन बुलेवर्ड की सराउंडिंग में जब हाई राइज कमर्शियल जाएंगे तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट जो रियल स्टेट की मार्केट होती है उस स्पेसिफिक सोसाइटी की उस स्पेसिफिक डोमेन में क्या इंपैक्ट आता है हाई राइज कमर्शियल का जो मेन बुलेवर्स होते हैं जो वाइड रोड्स होते हैं उनका क्या इंपैक्ट आता है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार फीट रोड की डेवलपमेंट से कि चार फीट रोड की डेवलपमेंट आज की डेट में कहाँ स्टैंड करती है अगर हम बात करें इन जनरल चार फीट रोड की डेवलपमेंट तो चार फीट रोड मुख्तफ बैचेज में टोटल मिलाकर तकरीबन 2.3 2.4 किलोमीटर का पार्ट ऐसा है जिसकी इस वक्त ग्राउंड पे प्रॉपर जो परंपैक्शन है हो चुकी है और बहुत सारे पार्ट पे ऐसे है के साथ साथ ब्लैक टॉप और कुछ पार्ट पे कारपेटिंग भी हो चुकी है अब मैंने एक और इंपॉर्टेंट बात जो इसमें डिस्कस करने वाली है इसका मकसद यह बताना नहीं कि डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चार फीट रोड मुकम्मल होगी यानी जितना चार फीट रोड पर डेवलपमेंट है तमाम की तमाम चीजें मुकम्मल होंगी और इसकी सराउंडिंग में जो हाई राइज कमर्शियल होंगे जब वो एलोकेट होंगे तो एक एक कमर्शियल का क्या इंपैक्ट आएगा ओवरऑल सर ओवरऑल रियल एस्टेट की मार्केट पे

हो क्या इंपैक्ट आएगा देखिए कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है ना रियल स्टेट का वो डिपेंडेड होता है सर्टन चीजों पर एक तो उसकी साथ साथ उस अक्सर मैं बात करता हूं इसलिए कामयाब हुआ था कि मलिक रियाज के पास ना एटलीस्ट सत्रह से अठारह किलोमीटर का कमर्शियल रोड था बेचने के लिए जिसकी वजह से पूरी बैरियर ने एक साइड जो रोड होगा मेन रोड होगा जो बैरियर टाउन केस में है जिनाब न्यू उसकी नेटवर्क क्योंकि आप आमतौर हैं एक मरले में तो गज़ होते हैं, एक किनाल में पांच सौ गज होते हैं तो इस तरह जो होता है वो ढाई से तीन लाख चार लाख पर गज सेल होता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ प्लॉट अब इस तरह जब कैपिटल स्मार्टी में आगे जाके जा जा चार सौ फीट रोड स्टार्ट होगा बेशक साइड पर

स्टाफ को वहां मूव करें ताकि साइट पे उनका ऑफिस प्रॉपर ऑपरेशनलाइज रह सके सेम फॉर दिस कि जब हाई राइज कमर्शियल जब साइट पे स्टार्ट होंगे आबादी आए या ना आए हर एक प्लॉट की प्रॉपर्टी पे उसका इंपैक्ट आता है मैं एक छोटी सी एक्जाम्पल देता हूं कि आप कोई भी सोसाइटी उठा लें रावलपिंडी इस्लामाबाद या पाकिस्तान के डोमेन में जब उसकी मेन बोलेवेट तैयार हो उस पर कोई कमर्शियल ना बन रहा हो हाई राइज को बिल्डिंग ना बन रही हो तब आप उस सोसाइटी के प्रॉपर्टी के रेट्स चेक कर लें रेजिडेंशियल प्लस छोटे जो क्लास थ्री कमर्शियल होते हैं उनके और हाई राइज बनने के बाद यानी स्टार्ट होता है कोई प्रोजेक्ट है लट्से मेन बोलेवर्ड पे ट्वेंटी किनाल या थर्टी किनाल का जब वो स्टार्ट होगा उसके दो तीन फ्लोर ही, जब बनेंगे ना बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड तो उसका इंपैक्ट जो होता है वह बहुत बड़े मैसिव स्केल पे आता है यानी मैसिव स्केल से मरा था कि जो रियल स्टेट की जनरल उस सोसाइटी में चीजें होती है, लेट से हैं लेट्स रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं कमर्शियल प्लाट्स हैं उनमें काफी ज़्यादा रन आते हैं तो मेबर्स को उसका फायदा होता है इनडायरेक्टली हालांकि किसी इंडिविजुअल का उस हाई राइज कमर्शियल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता यानी कि किसी इंडिविजुअल ने उस हाई राइज में हो सकता है कि जितने स्मार्ट सिटी के मेबर्स हों लेट्स से जी चालीस हज़ार या तीस हजार मेबर हैं उनमें से हो सकता है तो दस बीस तीस चालीस लोग वहां पर शॉप परचेज अपार्टमेंट अपार्टमेंटेज कर लें ऑफिस ले, ले, ले। है, है। पाकिस्तान की जितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है उनमें सबसे जो मेजर बॉलीवर्ड काउंट होता है इस्लामाबाद पिंड की डोमेन में देख लें तो आपको मैक्सम रोड जो मिलता है मैं बात करूं सबसे बड़े ब्रांड की सोसायटियों का वहां मिलता है एक फुट से लेकर दो फुट का रोड मिलता है इससे बड़ा रोड आपको नहीं मिलते मैं इस्लामाबाद के ब्रांड्स डी एच ए बैरिया टाउन सी डी ए डोमे गुलबर्ग एंड बी सेवेंटीन जितने इस्लामबादम ब्रांड है ना उन हवाले से बात कर रहा हूँ एक सौ अस्सी से दो सौ बीस फुट या मैक्सिम जाकर ढाई सौ फुट का रोड होगा जब चार सौ फुट का रोड होगा और उस पर जब कमर्शियल कंस्ट्रक्ट होगा तो उस कमर्शियल का ओवरऑल इन जनरल इंपैक्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा आएगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे और कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आज की डेट में उसका इंपैक्ट जो है वो उतना फील होने वाला नहीं है और बाकी इन जनरल लोग उस पर इतनी बात भी नहीं करते क्योंकि उन प्लॉट्स की प्राइसेस जो होती हैं वो बिलियंस में होती हैं बिलियंस विद अ बी यानी कि अरबों में कीमतें होती हैं तो डेफिनेटली आम मेंबर ये जिसने रेजिडेंशियल प्लॉट साढ़े तीन मर से लेकर दो कनाल का प्लॉट खरीदा हुआ है यानी कि सस्ते से सस्ती फाइल पंद्रह लाख रुपये और महंगे से महंगी फाइल लट से जी सवा करोड़ या डेढ़ करोड़ की फाइल खरीदी हुई है तो उस मेंबर पर उसका इंपैक्ट जो है वो अभी आज की डेट में फील नहीं होगा लेकिन जब इस 400 फीट रोड की इंटरचेंज के बाद जब कंप्लीशन स्टार्ट होगी कि 400 फीट रोड की कारपेटिंग स्टार्ट होगी और जिस दिन पे पहला कमर्शियल बना तो उस दिन साइड पे कैपिटल स्मार्टी की पे आपको मेंबर्स को इन जनरल अपनी इन्वेस्टमेंट पे ना, ना करते हुए इस वक्त ब्रांड साइन कर चुका है अगर आप देखें इस्लामाबाद पिंडी के डोमेन में किसी बड़े से बड़ी ब्रांडेड सोसाइटी का नाम नहीं है उसके पास यूनिवर्सिटीज कितनी है उसके बाद हेल्थ केयर कितना है आमतौर तो पर लोग बैरिया को हाईलाइट करते हैं तो बैरिया के पास एक अपना मेडिकल कॉलेज मेडिकल इंस्टीट्यूट है बैरियर फेज़ फोर में इसके अलावा उनके पास एक <coughs> एक यूनिवर्सिटी रूट्स इसके अलावा कोई मेजर उनके पास ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है बाकी सोसाइटीज़ को तो रहने दें किसी के पास यूनिवर्सिटी भी नहीं है किसी के पास कोई मेजर हॉस्पिटल भी नहीं है सबके पास अपने छोटे मोटे जो फिफ्टी बेड फोर्टी बेड के हॉस्पिटल होते हैं वो हैं कैपिटल स्मार्टी की साइड पर इस वक्त जो है वो ब्रांडेड आउटलेट्स की अगर बात करूँ जो ब्रांड्स हैं बड़े तो उसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी उसके अलावा बात करें नमल यूनिवर्सिटी उसके अलावा जो अपार्टमेंट्स हैं जैसे आ, एस के रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे उनको जो अपार्टमेंट्स मिलेंगे उनकी सर्विस के एंड पे वो यहाँ पे होंगे और इसके अलावा बात कर लें आ, पिंक रिब, रिबन हॉस्पिटल हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक पांच छह ऐसे बड़े मेगा ब्रांड है इंटरनेशनल ब्रांड है जब वो साइट पे आके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देखने में नजर आएगी ज़ाहिर सी बात है कि आमतौर तो पर लोगों देखने वाली ये बातें होंगी स्पॉन्सर्ड फील हो रही होंगी बायस फील हो रही होंगी बिकॉज मैं कैपिटल स्मार्ट को पिछले चार पाँच साल से जब काम कर रहा हूँ तो इसके अंदर चेंजेस मैंने फिजिकली देखे हैं ये भी जो पार्ट आप देख रहे हैं सड़क का या डॉक्टरेंट लिए सारी चीज़ें ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और इतनी बड़ी ब्रांडेड सोसाइटी में अगर आपको ये चीज़ें नजर आ रही हैं और वो भी विद अ टाइम फ्रेम ऑफ फोर ईयर्स मिनिमम और फोर इयर्स के टाइम फ्रेम में आपने बीच में पाकिस्तान के बुरे से बुरे हालात भी देखे हैं आज भी देख रहे हैं यानी पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेटस देख लें डॉलर का एक पे था आज डॉलर जाकर ढाई सौ तीन सौ पहुंचा हुआ है फिर भी स्मार्ट सिटी अपनी जगह स्टेबल है नंबर वन नंबर टू इसके बाद आप देख लेंगे बाकी ओवरऑल इंजीनियरिंग मार्केट में आप रियल स्टेट की मार्केट देख लें किस हद तक डाउन है और कैपिटल स्मार्ट सिटी को से कंपेयर कर लें तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ब्रांड की सोसाइटी क्या होती है नंबर थ्री कि इस वक्त साइट पर जितनी डेवलपमेंट हो चुकी है मैं चक्री रोड की तमाम सोसाइटी को कंपेयर करूं इस्लामाबाद में आप गूगल अर्थ पे जाए आप 2018 से लेके 17 से लेके 2022 तक की ना आप टाइमलाइन देखें कि आपको लैंड की ब्राउनिंग किस जगह नजर आई है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी के एंड पे एक मेजरमेंट की थी दैट वाज 34,224 कनाल जो ब्राउन हो चुकी थी और इस नंबर में अभी ज़्यादा से ज़्यादा साल का इजाफा हुआ है तो अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी, भी नए आ गए हैं जो डेवलप हो चुके हैं ओवरसीज प्राइम वन पूरा डेवलप तकरीबन हो चुका है डिस्पाइट सम ब्लॉक्स इसके अलावा ओवरसीज सेंट्रल में काफ़ी हद तक ब्राउनिंग हुई है इसके अलावा हारनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल में काफी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट हुई है ये डेवलपमेंट जो है वो डेफिनेटली आप आम सोसाइटी से कंपेयर नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आपके पास अपनी इन हाउस इस कदर बड़ी मशीनरी ना हो क्या इसे फायदा अनाउंसमेंट आ गई है, है और आने वाले दिनों में तीन से में उनको मैसेव डेवलपमेंट देखने में नजर आएगी अब बात करते हैं जितनी फुटेज आपको दिखाई है तो मैं को मैं अर्थ पर दिखाता हूं ताकि को इन जनरल कंपेरिजन करने में आसानी हो इसीपिटल स्मार्टी का मास्टर प्लान देखते हैं मास्टर प्लान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज की टॉपिक वाले से इस रोड से इस रोड से इसका नाम है एक्सेस रोड वन इस वक्त इनफैक्ट वाहिद रोड जो है जो कंप्लीट करती है यानी कि अगर 6.3 6.4 किलोमीटर का डिस्टेंस रोड टू तो रोड काउंट किया जाए वैसे डायरेक्ट डिस्टेंस देखा जाए वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट बनता है लेकिन लट्स से रोड टू तो रोड देखते हैं इंटरचेंज टू चक्री रोड एंट्रेंस गेट लेट से डायरेक्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके मैं इसको क्लियर कर दूँगा एक्सप्लेन कर देता हूँ लट से जब डायरेक्ट डिस्टेंस देखते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो आपका बनता है 4.79 फोर पॉइंट सेवन नाइन किलोमीटर यानी कि चक्री रोड से लेके मोटरवे के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो बनता है तकरीबन फोर पॉइंट एट जीरो किलोमीटर का डिस्टेंस ओवरऑल इन जनरल, लेकिन लेट्स से आप देखते हैं जी सिर्फ रोड टू रोड देखते हैं जो एक्सेस रोड अभी तक तो कंप्लीट है यानी अगर आप आज की डेट में इंडिविजुअल को चाहे तो इस रोड से इस रोड तक ये वो रूट है कि जिसकी आज के डेट में एक्सेस जो है अवेलेबल है साइट पर विजिट करते हैं तो एक वाइज रास्ता जो मुकम्मल है यानी आप साइट पर विजिट करके इस पूरे रोड को यानी चक्की रोड से अगर आप आ रहे हैं और हमने मोटरवे पर जाना है तो आपके पास ये रूट इस्तेमाल होता है इस रूट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बीच में ये वाला पार्ट है अब इस पार्टी कंप्लीशन के हवाले से फिलहाल कोई बात नहीं होती कब कंप्लीट होगी क्योंकि जनरल मेंबर का इसमें ऐसा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि किसी के पैसे लगे नहीं हुए यहाँ पे फ्यूचर में जाके मेंबर्स ने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं यानी जो बड़े इन्वेस्टर्स होंगे यानी जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है टॉप नॉच कंपनीज वो यहाँ पे कैश पे प्लॉट शायद ना खरीद सकें क्योंकि प्लाट्स की प्राइस बहुत ज्यादा होती हैं एक प्लाट है बीस कनाल का यानी तो उस प्लाट का तकरीबन चार हजार गज का जो प्लाट होगा सॉरी ज्यादा से ज्यादा का प्लाट होगा तो ट्वेंटी इंटू फाइव कर लें तो आपके पास जो नंबर आता है तकरीबन आठ हजार गज का जो प्लाट होगा वो प्लॉट कैश पे अफोर्डेबल नहीं होते हैं। पर प्लॉट पर स्क्र यार्ड रेट तकरीबन चार से पाँच लाख पर गज़ होता है तो कैश पे अकोमोड नहीं होता तो वो मैंबर्स आमतौर पर या जो कंपनीज़ होती हैं जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो आमतौर पर जेवीज करती हैं तो जब ये वाले रोड पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो ओवरऑल इन जनरल जो इंपैक्ट होगा जो कैपिटल स्मार्ट की मार्केट रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल या कोई भी प्रॉपर्टी है कैपिटल स्मार्ट के अंदर उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा मैं आपको एक्जाम्पल देता हूँ छोटी सी कि यह वेशन डिस्ट्रिक्ट है अभी इस इंटरचेंज का जब यहां से लेके यहां तक पार्ट कंप्लीट होगा मोस्ट ऑफ लेकर ले चार पांच महीने में कंप्लीट हो जाएगा अब रिसेंटली साइड में विजिट करने गए थे तो उस साइड में हफ्ते दस दिन के गैप में आपको ये चीज़ें बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आती हैं तो जब ये डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होगा जहां पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो मोटरवे गुजरने वाली जितनी भी ट्रैफिक है दिन की लट से मोटरवे से तीन लाख गाड़ी गुजरती है अप्रॉक्सिमेट जो आज की डेट में नंबर हैं तीन लाख जब गाड़ी यहां से गुजरेगी डेली बेस पर उसको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा तो जाहिर सी बात है तीन लाख में से लट से मोटरवे इंटरचेंज ओपन होता है बीच में से मैं एग्जाम्पल देता हूँ लट से जी पांच लोग भी साइड विजिट कर लेते हैं तो फुट साइट का जो बढ़ेगा वो कमर्शियल की वजह से बढ़ेगा क्योंकि मोटरवे की विजिबिलिटी से क्योंकि यहां पे पीछे अब यहां देखते हैं तो आपको तकरीबन तीन तीन सौ चार चार सौ फुट या पांच पांच सौ फुट के पहाड़ियां नजर आती हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तक तो मैं तीन सौ मीटर से ढाई सौ मीटर की पहाड़ियाँ हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई एयरपोर्ट के लिए रुकावट नहीं होगी इस प्रेमिस से एयरपोर्ट की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी तकरीबन आप सात से आठ मिनट में एयरपोर्ट जा सकते हैं तो एयरपोर्ट की प्रमिसिस में आमतौर पर हाई राइज कमर्शियल अलाउड नहीं होता लेकिन स्मार्ट सिटी केस में सराउंडेड बाई माउंटेंस हैं तो इसको एस सच कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी हाई राइज पर जब हाई राइज यहाँ पे स्टार्ट होगा इस चार सौ फिट रोड पर तो इस हाई राइज का इंपैक्ट ओवरऑल मार्केट पर बहुत ज़्यादा आएगा तो मैं वैसे इन जनरल एक कंपेयर भी कर देता हूँ कि कितना ऐसा एरिया है जिसपे टोटल हाई हाँ राइज कमर्शियल बनना है लेट्स सबसे पहले देखते हैं जी तकरीबन टू किलोमीटर का पैच ये वाला है अगर हम टू किलोमीटर के पैच को मैं डाइवर्ट करता हूं दूसरी तरफ एंड टू एंड तकरीबन फाइव पॉइंट थ्री टू किलोमीटर का पैच है जो चार सौ फीट रोड का ये वाला पैच बनता है यानी जिस पैच ने भी डप होना है नंबर वन नंबर टू अब फाइव पॉइंट थ्री से हम आगे कैलकुलेट करेंगे इसी पार्ट से मैं कंटिन्यू करता हूँ तो अप्रोक्सीमेट जो पार्ट बनेगा चार सौ फिट रोड का एक एट पॉइंट थ्री एट पॉइंट फोर थ्री मैं कैलकुलेट जरा कर लूंगा कि कितना नंबर बनता है टोटल ओवरऑल एट पॉइंट फोर थ्री किलोमीटर प्लस फाइव पॉइंट थ्री किलोमीटर तो बनता थर्टीन पॉइंट सेवन थ्री किलोमीटर और एक किलोमीटर के अंदर आप मीटर्स करते हैं तो आपके जो मीटर्स होते हैं वो होते हैं हजार मीटर यानी कि इसको अगर आप थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नंबर आता है तेरह हजार सात सौ तीस स्क्वेर यार्ड्स का जो आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल करनी है इन टर्म्स ऑफ प्लॉट्स तो जब कमर्शियल प्रॉपर्टी ये सेल्स होगी इसकी जाहिर सी बात है तो वर्थ बिलियंस में होगी अदरवाइज ट्रिलियंस में वर्थ होगी इतनी बड़ी रोड पे ऊपर कमर्शियल आने के लिए आमतौर पर क्योंकि मैं प्रॉपर्टी रजिस्टर रे काम करता हूँ इन चीज़ों पर हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी करते हैं फोकस भी होते हैं कि यार फ्यूचर में जाके ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या होता है जब आप ऐसा प्रोजेक्ट लेके आते हैं ये मैंने जो दो पार्ट में रोड को कंपेयर किया है क्योंकि इधर से है एक रोड से वो पाथ नहीं बन रहा था लेकिन फ्यूचर में जाकर जब इतने हाई रेस्ट कमर्शियल आएंगे तो स्मार्ट सिटी के अंदर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उनकी बर्थ को सी से है चार चांद लग जाएंगे अब एक और बात करते हैं कि इसके ऑपोजिट साइड पर मोटरवे के ऑपोजिट साइड पर मास्टर प्लान में जहर से ज्यादा स्मार्ट सिटी ने पूरा प्रिक्योरमेंट चल रही है अब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लैंड ब्राउनिंग हुई नज़र आती है जिस पे एफ डी की ब्रांडिंग है तो कुछ लोग कह रहे थे यहाँ पे ओवरसीज प्राइम टू आएगा या के और डिस्ट्रिक आएगा लेकिन एक्चुअल में मेरे सोर्सेज के मुताबिक यहाँ पे डी एच की लैंड प्रक्योर हो रही है और उस लैंड प्रक्योरमेंट में जो मेजर शेयर है वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट का एफ का तो फ्यूचर में आपको इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस मिलने वाले हैं ये मेरा डी के अंदर जो डब्ल्यू एंड आर ब्रांच है डी की जहाँ से मतलब आर जी एच डब्ल्यू एंड आर ब्रांच और डी के अंदर सोर्सेज से मुझे बात पता चली है कि यहाँ पर डी एच की प्रिक्योरमेंट हो रही है और सारी प्रिक्योरमेंट को कैपिटल स्मार्टी सेल्फ ओवरसी कर रहा है तो फ्यूचर में जाकर बहुत बड़े बड़े जो सरप्राइज हैं वो मिलने वाले हैं पर है, जब चार सौ फीट रोड होगा सामने डीएचएगा मोटरवे पर आपको किसी प्लॉट पर बोर करने की जरूरत नहीं है यानी कि टेंशन बिला वजह बोर करो पानी आए ना आए हर एक प्लॉट को तमाम फैसिलिटीज होंगी वो इन हाउस अवेलेबल होंगी यानी वाटर सप्लाई सेवरेज ड्रेनेज जितनी अनकट इलेक्ट्रिसिटी ट्वेंटी फोर आवर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तमाम चीजें हम साइड पर होंगी तो ये बहुत ही डिफरेंट साइट बनकर सामने आएगी उम्मीद करते हैं कैपिटल स्मार्टी के मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो अगेन बैक ट्रेल टाइम फुटेज और इसमें स्क्रीन पे दोबारा वही मेन चार सौ फिट रोड की जो डेवलपमेंट हो रही है वो देख सकते हैं और बाकी जो एरियाज डेवलप हो रहे हैं चार सौ फिट रोड की सराउंडिंग में वो देख सकते हैं सो व्यस दिस वाज इट फ्रॉम टोडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट लॉर्स्ट स्मार्ट बुकिंग के बाद कुछ मालूम चाहिए तो देखिए नंबर पर रबाता करें इसके लिए हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉ कॉम अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अली वीडियो तक के लिए